हेलो गाइस, वेलकम अनदर वीडियो फेमस बायोलॉजी। सीजीपीटीएम के ऑफिस की तरफ से ये नोटिफिकेशंस है न्यू रिक्रूटमेंट के लिए, जो कि 2025 का होगा। और सीजीपीटीएम की तरफ से ये दो पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें आपका पेटेंट एजेंट है और ट्रेड एजेंट के लिए है। तो ये नोटिफिकेशंस आपको कहाँ से मिलेगा, आप ऐसा देख सकते हैं यहाँ पे, ये 2 जुलाई का ही नोटिफिकेशंस है। और ये नोटिफिकेशंस आपको कहाँ से मिलेगा ये भी आपको हम बता देंगे। यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस वैकेंसी को लेकर के, कि कब इसका एग्ज़ाम्स होगा, क्या इसका सिलेबस होगा, क्या इसके पैटर्न होंगे और कब से फॉर्म फिल किया जाएगा, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो ये है ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, दैट मीन्स सीजीपीटीएम का ये ऑफिस है, इनके ऑफिस की तरफ से ये नोटिफिकेशन है। और इस नोटिफिकेशन में यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है ट्रेड एजेंट, दैट इज़ ट्रेड मार्क एजेंट एग्जामिनेशन 2025 एंड पैटर्न एजेंट एग्जामिनेशन। तो ये दो पोस्ट है आपके सी पी टी एम के ऑफिस से, दैट इज पेटेंट एजेंट के और ट्रेड मार्क एजेंट के, जो कि 2025 का नया रिक्रूटमेंट है। ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ऑफिस ऑफ द सी पी टी एम विल बी होल्डिंग द ट्रेड मार्क एजेंट एग्जामिनेशन 2025 एंड पेटेंट एजेंट एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। तो क्या शेड्यूल लोग आपको यहाँ पे दे रखा है, तो पहला आपको दे रखा है दैट इज ट्रेड मार्क एजेंट एग्जामिनेशन 2025 इज लाइकली टू बी हेल्ड ऑन 4th जनवरी 2025 सैटरडे को आपका ये एग्ज़ाम होगा 4 जनवरी को, और एट 13 लोकेशंस, नेमली अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, न्यू दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर एंड तिरुवनंतपुरम। ये 13 जगह सेंटर होगा इनका। 4 जनवरी 2025 को इनका क्या होगा, एग्ज़ाम होगा, दैट इज ट्रेड मार्क एजेंट के लिए। एंड कैंडिडेट्स हु आर विलिंग टू अपियर इन ट्रेड मार्क एजेंट एग्जामिनेशन में चेक देयर एलिजिबिलिटी एज पर द प्रोविजन अंडर रूल 144 ऑफ द ट्रेड मार्क रूल 17। ये इनका एक रेगुलेशन है, इस रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली आपको अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या करना है चेक कर लेना है। और इसके साथ साथ में यहाँ पे तीसरा पॉइंट भी दे रखा है, दैट इज़ ट्रेड मार्क एजेंट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशंस, नेमली पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और पेपर 2 जो होगा वो क्या होगा, आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। 3 घंटे का पेपर आपका ये होगा और 2 घंटे का पेपर आपका ये होगा, राइट। तो 4 जनवरी को 2025 में इसका एग्ज़ाम होगा। द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द ट्रेड मार्क एजेंट अंडर द रूल ऑफ 148 सेकेंड ऑफ द ट्रेड मार्क रूल्स शैल बी सेम एज पर द पेटेंट एग्जामिनेशन या पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन। सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इनके लिए भी जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो उसी के रूल के अकॉर्डिंगली सेम होगा। एंड एनी क्वेरी रिलेटेड टू द ट्रेड मार्क एजेंट एग्जामिनेशन विल बी ईमेल्ड एट, आपको यहाँ पे एक हेल्प के लिए ईमेल दे रखा है कि आप इस ईमेल के बिना कोई भी क्वेरी है आप कर सकते हैं। यहाँ पे पेटेंट एग्जामिनेशन के एजेंट के एग्जामिनेशन के बारे में दिया हुआ है कि ये कब होगा, तो ये बेसिकली आपका 5th जनवरी 2025 मीन संडे को होगा वो एग्ज़ाम आपका, क्योंकि ट्रेड एजेंट का था वो 4th जनवरी को होगा, और ये वाला एग्ज़ाम आपका क्या होगा, दैट इज़ द 5th जनवरी को होगा और संडे को होगा। ये भी 13 ही लोकेशन पे होंगे, वही सेम सेंटर दे रखा है आपको। यहाँ पे भी आपको वही रूल का आपको दिया गया कि आप उसी रूल के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको दिया गया कि ये पेपर भी क्या होगा, 2 सेशन में होगा, और पेपर 1 जो कि आपका सब्जेक्टिव होगा 2 आवर्स के लिए, और पेपर 2 जो होगा डिस्क्रिप्टिव होगा 3 आवर्स के लिए, सेम वैसा ही जैसे कि आपका ट्रेड मार्क एजेंट के लिए था। यहाँ पे भी आपको हेल्पलाइन एक ईमेल दे रखा है कि आप इस पे जाकर के अपना कोई भी क्वेरी है तब उसको कर सकते हैं। फर्दर अपडेट्स में विजिट द ip.india.gov.in। तो आपको यहाँ पे दे रखा है, मैं आपको उस वेबसाइट पे भी विजिट करा देता हूँ, कैसे आप ये देख पाएंगे कहाँ से फॉर्म फिल होगा। तो सिंपली आपको अपने दैट इज़ गूगल पे क्या करना है कि टाइप करना है दैट इज़ ip.india, और पहला ही जो लिंक खुल करके आएगा उस लिंक पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। और इसके क्लिक होने के बाद इनका यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा होगा, इस पर आप व्यू ऑल पे कर लीजिए। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे पहला ही देखिएगा PAE दैट इज़ पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन एंड TAE दैट इज़ ट्रेड एजेंट एग्जामिनेशन। तो इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करेंगे, नया एक इंटरफेस खुल कर आएगा, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस गाइडलाइन एंड इसके साथ साथ में नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पे दे रखा है। तो नोटिफिकेशन आपको मैंने पढ़ा दिया, गाइडलाइन जो है आपको वो भी दिखा देते हैं, गाइडलाइन क्या कह रहा है इनका। यहाँ पे पूरा गाइडलाइन है फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म,
इस इन दोनों के लिए जो फॉर्म फिल होगा वो आपका दैट इज स्टार्ट होगा 8 जुलाई से। यहाँ पे दे रखा है नून 12 बजे से स्टार्ट होगा आपका और 8 अगस्त तक ये डेट रहेगा। मतलब आपको 1 मंथ का टाइम दिया जाएगा फॉर्म फिल करने के लिए और देयर इज़ नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन, सिर्फ ऑनलाइन मोड पे ही फॉर्म फिल किया जाएगा इनकी वेबसाइट से। 8 तारीख से फॉर्म आपको फिल कराए जाएंगे, दैट इज़ 8 जुलाई 2024। तब से आपका ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। प्री रिक्विजिशंस फॉर द अप्लाइंग ऑनलाइन, यहाँ पर आपको दे रखा है क्या क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए, ये सारा डिटेल है आपके पास। जैसे नॉर्मली आप फॉर्म फिल करते हैं, फोटोग्राफ होना चाहिए और बाकी सारी चीज़ें होनी चाहिए आपको, आईडी कार्ड वगैरह, वो सब नॉर्मल है जो कि पहले जैसा था। आते हैं यहाँ पे इनके एग्ज़ाम के पैटर्न पे और यहाँ पे फॉर्म फिल करने का तरीका पूरा दे रखा है। इसके साथ साथ में आपको पेमेंट का तरीका दे रखा है और यहाँ पे फ़ी बहुत ज़्यादा है। सैलरी 1600 एस स्टूडेंट, इनके रूल के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे दिया गया है कि इतना लिया जाएगा। एंड फॉर द ट्रेडमार्क एजेंट एग्जामिनेशन सैलरी 4500। ओके, एप्लीकेशंस नॉट अकाउंटेड विद द प्रिस्क्राइब्ड विल रिजेक्टेड। ओके, सो बाकी चीज़ यहाँ पे दे रखी है। एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए दे रखा है कि जो एग्ज़ाम्स आपका 5 जनवरी को होगा उसका फॉर्म लगभग 15 दिन दिसंबर के आसपास आपको क्या है यहाँ पे दे दिया गया है। 15 दिसंबर को आपका उसका ई एडमिट कार्ड आ जाएगा। यहाँ पे आपको रिटर्न एग्जाम का स्ट्रक्चर दे रखा होगा कैसे होगा। पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन 2025 एंड द ट्रेड मार्क एजेंट का एग्ज़ाम कैसा होगा। पेपर 1 जो कि 2 2 आवर्स का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैविंग वन और मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट 100 मार्क्स का होगा। इसके साथ साथ में पेपर 2 जो होगा डिस्क्रिप्टिव होगा 100 मार्क्स का होगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द इंस्ट्रक्शंस ऑन द क्वेश्चन पेपर बिफोर अटेम्प्टिंग। आपको सलाह दिया जाता है कि आप पेपर जब हो तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में आपको यहाँ पे दे रखा हुआ है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, द कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ द रूल 110 ऑफ द पेटेंट रूल्स 2003 एज अमेंडेड शैल बी डिक्लेयर एज क्वालिफाइड द पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन 2025। आपको बताया जा रहा है कि ये रूल के अकॉर्डिंगली अगर आप अपना पूरा फुलफिल करते हैं क्राइटेरिया तो आपको एज अ डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आप कैंडिडेट सही हैं और आपको क्वालिफाइड के डिक्लेयर कर दिया जाएगा। द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द ट्रेड मार्क एजेंट अंडर द रूल इतना इतना सेल बी द सेम एज एप्लीकेशन फॉर द इतना। यहाँ पे भी आपको बताया जा रहा है कि इनके इस पोस्ट के लिए इसके अकॉर्डिंगली जो आपका रूल होगा उसके अकॉर्डिंगली अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको डिक्लेयर किया जाएगा क्वालिफाइड के कैटेगरी में। सिलेबस आपको यहाँ पे दे रखा है इसके लिए, दैट इज़ पेटेंट के लिए, पेटेंट के लिए आपका ये सिलेबस है और ट्रेड के लिए आपका ये सिलेबस है। यहाँ पे कोई भी सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन नहीं होगा, सिर्फ पेटेंट को लेकर के दिए जाएंगे। लैंग्वेज चूज करने के लिए आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, हिंदी और इंग्लिश कर सकते हैं। डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको यहाँ पर दिया गया है। 13 सेंटर पर एग्ज़ाम होगा 4 जनवरी और 5 जनवरी को 2025 में। यहाँ पे कुछ FAQ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सबको दे रखा है कि CGPTM कैसे एग्जाम कराएगा, क्या है कैसे नहीं, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं, वैसे तो हालांकि अभी CGPTM का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट अभी तक फाइनल नहीं हो पाया, दैट मीन्स रिजल्ट तो हो गया है लेकिन अभी भी अपॉइंटमेंट लेटर लोगों को नहीं मिला है, लेकिन जो लोग इंतजार कर रहे थे उनके लिए गुड न्यूज़ है। अभी CGPTM का 2025 का ये नोटिफिकेशन है, 8 तारीख से फॉर्म फिल होगा। आप इसको चाहें तो अच्छे तरीके से पहले रीड आउट कर लीजिए और अगर आपको लगता है कि आपको फॉर्म फिल करना चाहिए तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।